वेलकम टू सबिलास किचन। आज हम बनाएंगे बन पराठा। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स भी होती हैं और खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो बन पराठा बनाना शुरू करते हैं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बन पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा, एक कप मैंने लिया है दूध, रिफाइंड ऑयल है, एक अंडा लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, साथ में नमक लिया है। बन पराठा बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये अंडा तोड़ेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी, नमक डाल देंगे, दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। दूध और अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध मैंने आधा कप ही डाला है, आधा कप बचा लिया है अभी। मैदा लेंगे, इस मिक्सचर से हम मैदा को गूंदेंगे। दूध और अंडे का मिक्सचर मैंने सारा डाल दिया है। अब हम पानी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें इसका। ये जो डो है अभी काफ़ी चिपचिपा है, तो इसको अभी हम सरफेस पे निकालेंगे। अभी हमें इसको अच्छे से गूंदना है। थोड़ी सी इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से हमें नीट करना है, इस तरह से 5-7 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मसलेंगे। डो को इस तरह से मसलते हुए मुझे 5-7 मिनट हो चुके हैं और ये आपस में अच्छे से बाइंड हो चुका है। इसको बाउल में रखेंगे और ऊपर से हम इसके ऑयल लगा देंगे। अब मैं इसको ढककर 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए। डो को रेस्ट पर रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुका है। डो को निकाल लेंगे, एक बार से फिर मसल लेंगे। डो को मैंने एक बार फिर से मसल लिया है। अब डो को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करेंगे जितना हमें पराठा बनाना है। तो डो को मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है, अब इसके हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इसके ऊपर से हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले ली है, इसको हम बेल लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से बेल लिया है, इसके ऊपर से ऑयल लगाएंगे। ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हम हाथों की हेल्प से इसको और फैला लेंगे। इसे एक बहुत पतली शीट बना लेना है हमें। इस तरह से मैंने हाथों से इसको ऐसे फैला दिया है, बहुत पतली शीट बन गई है ये। इसके ऊपर से एक बार फिर से ऑयल घी लगाएंगे।
फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसका पेड़ा बनाना है। इसी तरह से हम सभी पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। पहले दूसरा पेड़ा भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले ऑयल लगाएंगे। इस तरह से फैला लेंगे इसको। फिर से इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें पेड़ा तैयार करना है। अभी मुझे यहाँ पर तीन पराठे तैयार करने हैं, तो मैंने ये तीन पेड़ तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम पराठे बनाना पराठे के लिए जो हमने पेड़ा तैयार किया था उसको सेट होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। हल्का हल्का हमें इस तरह से हाथों से प्रेस करना है। गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इस पर ही हम डाल देंगे। पराठा में इस तरह से तैयार करेंगे। तीनों पराठे मैंने तवे पे डाल दिए हैं। ऑयल या घी लगाएंगे ऊपर से। साइड चेंज करेंगे। पराठा हमारा सिक रहा है और ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, कितना फूल गया है, बिल्कुल बन की तरह हो गया है और एक एक लेयर इसकी इस तरह से खुल रही है। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बना है ये पराठा। सुपर सॉफ्ट बन पराठा, बहुत ही खस्ता और फ्लफी बना है ये। आप इसको किसी के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।